सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर शिवपुर में स्थित अर्धनारीश्वर शिवलिंग शिवालय शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यहां स्थापित प्राचीन शिवलिंग ही माता सती और महागौरी विराजमान है। अब यही वजह है कि इन्हें अर्धनारीश्वर शिव कहा जाता है। पहाड़ों के नीचे स्थित इस शिवलिंग का अभिषेक अविरल जलधारा करती है। पहाड़ से निकलने वाला जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करते हुए बहता है। अब यही वजह है कि इन्हें जलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर में विराजित शिवलिंग की कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रतापपुर के राजा प्रताप सिंह को सपने में शिवपुर स्थित पहाड़ी के भीतर इस शिवलिंग के दर्शन हुए थे, जिसके बाद राजा ने पहाड़ को खुदवाया। खुदाई के दौरान यह शिवलिंग मिला। जैसे कि जब शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, जैसे राजा के द्वारा जो शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, राजा विश्व प्रताप शरण सिंह उनका नाम था, जो यहीं बगल में इनका महल है, और उन्हीं के द्वारा ये खोजे गए शिवलिंग हैं। तो जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पानी उन्हें उस समय कुछ नहीं था जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, तो फिर उसको राजा आप खुड़वाने के लिए, मतलब शिव जी को ले जाने के लिए दूसरे मंदिर में उनका मंदिर बना हुआ था, तो उस मंदिर को, मतलब मंदिर में शिव जी को ले जाने के लिए यहाँ कुड़ाई किए, जिस कुड़ाई के दौरान शिव जी पे एक सबल लग गया, जहाँ से खून की एक साइड से खून की धारा, एक साइड से दूध की धारा निकला, फिर कुछ यज्ञ करने के बाद फिर वो धारा जल में परिवर्तन हो गया। हम लोग यहाँ लोकल ही प्रतापपुर के अपन है, और यहाँ तो अब हम बचपन से ही आ रहे हैं, देखिए, और ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये चीज़। और यहाँ तो जो भी आता है, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी मनोकामना अपना अपना ले के आते हैं, और लगभग सभी का मनोकामना पूर्ण होता है यहाँ। बहुत अच्छा है, और यहाँ अपन कंटिन्यू आते हैं, मतलब पूरी साल आते हैं, सावन तो आते ही हैं, और सावन में बड़ा भव्य यहाँ और हो जाता है। जैसे अभी सावन का फर्स्ट दिन है, आने वाला समय में अभी 5 से 7 दिन में और भव्य हो जाएगा, कुछ कांवरियाँ आने लगेंगे, जल चढ़ेगा और भव्य लगेगा, और यहाँ आने आने की जो अनुभूति है, जो आने का जो आनंद है यहाँ का, जो